तो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर दही ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो रायता होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है तभी अच्छा लगता है। और पानी को इसमें हम डाल के अच्छे से इस तरीके से चला लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे। और फिर इस दही से हम रायते बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। और अब हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज रायता। इसके लिए हमने आधा कप दही ले लिया है, इसे हम इस बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे। सब्जियां आप इसमें अपने स्वाद अनुसार कोई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा छोटा कटा हुआ प्याज ले लिया है, ये लगभग 2 चम्मच प्याज है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया है, इसे कट कर लिया है बारीक, इसे हम इसमें डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कद्दूकस करा हुआ खीरा ले लिया है, इसे भी मैं इसमें डालूंगी। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। और 1 मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च। और 2 चम्मच इसमें मैं कटा हुआ खीरा डाल रही हूँ, जो कि इस तरीके से मैंने थोड़े बड़े पीसेस में कट किया है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, जो कि भुना हुआ जीरा हमने लिया है। 1/4 चम्मच इसमें हम काला नमक डाल रहे हैं, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1 पिंच इसमें हम सफ़ेद नमक डालेंगे। काला नमक और सफ़ेद नमक का कॉम्बिनेशन डालने से हमारा जो रायता होता है उसका टेस्ट काफ़ी एनहेंस हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च इसमें नहीं डाली है, अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे रायते में लाल मिर्च का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही यम्मी मिक्स वेज रायता रेडी हो गया है। इसे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इस पर कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे जीरा पाउडर। तो ये देखिए हमारा मिक्स वेज रायता कितना अच्छा दिख रहा है। जितना ये आपको देखने में टेस्टी लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। और अब हम बनाएंगे खीरे का रायता। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप फिर से दही ले लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ खीरा। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ खीरा। इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसमें खीरा डालिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। 1 मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1/4 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। 1/4 चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं काला नमक। 1/4 चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं सफ़ेद नमक। और लगभग 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा बहुत ही यम्मी क्यूकम्बर रायता, यानी कि खीरे का रायता तैयार है। इसे हम सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर से थोड़ी सी हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा इस पर हम जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इस पर मैं डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ खीरा। तो ये देखिए हमारा बहुत ही यम्मी खीरे का रायता बनकर तैयार है। अब हम बनाने वाले हैं मिक्स फ्रूट रायता। उसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप दही। इसमें अब मैं डालूंगी पिसी हुई चीनी। तो 1 चम्मच इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे मिक्स फ्रूट्स। मेरे पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे वो मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये केला ले लिया है चॉप करके, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी गार्निश करने के लिए। और ग्रेप्स ले लिए हैं। मैंगो ले लिया है। जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें बचा लिया है गार्निश करने के लिए। 1/4 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा। 1 पिंच इसमें हम नमक डाल रहे हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे भी सर्व कर लेंगे। ऊपर से आप थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा रायता कितना यम्मी दिख रहा है। मैं बनाने वाली हूँ पुदीना का रायता। पुदीने के रायते के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। इसकी हम सबसे पहले चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। पुदीने की चटनी बनाएंगे और उसके बाद हम उसे पुदीने के रायते में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया
थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डालें। दो इसमें हम कटी हुई हरी मिर्ची डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और इसकी हम चटनी बना लेंगे। तो यहाँ इस बाउल में मैं ले रही हूँ आधा कप दही। पुदीना की चटनी इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। 1/4 चम्मच इसमें हम भुना हुआ जीरा डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। लगभग 1 चम्मच इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रहे हैं ऊपर से। ये हमारा जो पुदीने की चटनी है इसके टेस्ट को थोड़ा और एनहेंस कर देगा। और अब हम इसे वापस से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी पुदीने का रायता तैयार है। इसे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे और उसके ऊपर से हम थोड़ा सा पुदीने का पत्ता इस तरीके से रख देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत ही थोड़ा सा इस पे हम जीरा पाउडर डालेंगे, ये भुना हुआ जीरा हमने लिया है। तो लास्ट में हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता, ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसके लिए मैंने ले लिया है 1/2 कप दही। मैंने यहाँ पर 1/4 कप उबली हुई लौकी ले ली है, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो 1/4 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ ये खाने वाला नमक। 1/4 चम्मच ही इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1/4 चम्मच इसमें हम पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल रहे हैं। लगभग 1 चम्मच इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे और इसे अब हम थोड़े से कटे हुए हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। 1-2 इस पे मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। तो ये देखिए हमारा जो लौकी का रायता है कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए हमारे 5 तरह के रायते बनकर तैयार हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ हमारे खाने का टेस्ट दोगुना कर देते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें। सो एवरीवन, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएँ ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।